मोदी सरकार ने बिहार झारखंड को एक नायाब तोहफा देने का मन बना लिया है। जी हाँ, भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत अब बिहार झारखंड की झोली में आ चुकी है। जैसा कि हमें पता है कि मोदी सरकार बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रही है, तो दूसरी तरफ हाई स्पीड ट्रेनों को भी वो लगातार बढ़ावा दे रही है। रेल यात्रियों को सुरक्षा संरक्षा के साथ तेज सफर मुहैया कराने के लिए चालू वित्तीय वर्ष यानी कि मार्च 2020 तक 10 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है। इन 10 ट्रेनों में से एक ट्रेन कोलकाता रांची और दूसरी कोलकाता पटना के लिए होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में रोलिंग स्टॉक के लिए 2 साल पहले की अपेक्षाकृत निवेश की राशि 4 गुना कर दी। बजट में विशेष रूप से वंदे भारत का जिक्र करते हुए अधिक ट्रेन चलाने की बात कही गई। वित्त मंत्री ने आम बजट 2019-20 में रोलिंग स्टॉक, जिसमें कोच वैगन इंजन भी शामिल है, उसके हिस्से में 6,114.53 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया। इसके पहले 2017-18 में 1,586.91 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन पिछले साल ट्रेन 18 के बनने की योजना के साथ रोलिंग स्टॉक का बजट 3,724.93 करोड़ कर दिया गया। सीतारमण ने बजट भाषण में हवाई, सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया था। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना है और इनकी संख्या आगे बढ़ सकती है। सरकार ट्रेन सेट खरीदने के लिए विदेशी कंपनियों की मदद लेने की योजना बना रही है। वर्तमान में चेन्नई के रेल फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार की 135 सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण होना है। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिल्ली अमृतसर, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली इलाहाबाद, दिल्ली जयपुर, कोलकाता रांची, कोलकाता पटना, कोलकाता भुवनेश्वर, मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई बेंगलुरु आदि रूट पर चलाने की योजना है। आपको बता दें कि दिल्ली वाराणसी के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। यह शताब्दी की तरह सीट वाली है, जबकि 10 ट्रेनों में राजधानी जैसी कुछ बर्थ वाली सीटें होंगी। चेन्नई की रेल कोच फैक्ट्री के अलावा मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी वंदे भारत बनाने की योजना है, ताकि सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का तेजी से उत्पादन बढ़ाया जा सके। मॉडर्न कोच फैक्ट्री में 1893 LHB कोच, ICF चेन्नई में 2878 कोच और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में 1000 LHB कोच बनाने का लक्ष्य है। इस तरह से चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे कम से कम 240 मेल एक्सप्रेस, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस चलाएगा। आपको बता दें कि रेलवे मेल एक्सप्रेस के पुराने परंपरागत कोच के स्थान पर LHB कोच ला रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार लगातार भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने पर जोर दे रही है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस की तादाद का बढ़ना वाकई अच्छी खबर है, और ये भी अच्छी बात है कि 2 वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के हिस्से में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।